Chake, Secretary General, Excellency, Sri Antonio Guterres Ji, International Solar Alliance Assembly, और इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन, इन देशों से पधारे हुए सभी मंत्रीगण, कैबिनेट के मेरे तमाम सहयोगी, उद्योग जगत के साथी, सम्माननीय अतिथिगण, विशेष रूप से नौजवान विद्यार्थी मित्र, देवी और सज्जनों, आज सुबह स्वच्छता से जुड़े एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में एक्सलेंसी एंटोनियो गुटेरेस के साथ मुझे हिस्सा लेने का अवसर मिला। आज से ही महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती के आयोजन भी देश और दुनिया में प्रारंभ हो रहे हैं। ग्रीन फ्यूचर के लिए हो रहे इस मंथन की शुरुआत के लिए आज के दिवस से उचित अवसर कोई और नहीं हो सकता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, और मैं चाहूंगा कि पॉपुलरली वो ISA शब्द हो जाएगा, यानी ISA असेंबली हो, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपो, यानी री इन्वेस्ट की बैठक हो, या इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एनर्जी मीट हो, तीनों का बृहद लक्ष्य एक है, ग्रीन फ्यूचर के लिए क्लीन एनर्जी का विकल्प तैयार करना। साथियों, पिछले 150-200 वर्षों में मानव जाति अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए धरती के नीचे दबे संसाधनों पर ही ज्यादा निर्भर रही है। हमारी प्रकृति ने कैसे इसका विरोध किया है और आज भी कर रही है, ये हम सब देख रहे हैं। प्रकृति हमें लगातार संदेश दे रही है कि जमीन के ऊपर मौजूद ऊर्जा, चाहे सूर्य में हो, वायु में हो या पानी में, यही बेहतर और सुरक्षित भविष्य का समाधान है। मुझे खुशी है कि आज हम सभी प्रकृति से मिल रहे इस संदेश पर मंथन के लिए एकजुट हुए हैं। साथियों, मुझे याद है 3 वर्ष पहले री इन्वेस्ट की पहली मीटिंग में मैंने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में मेगावाट से गीगावाट की तरफ भारत की यात्रा का संकल्प हमारे देशवासियों के सामने रखा था। तब मैंने स्पष्ट किया था कि सोलार और विंड एनर्जी का लाभ तभी मिल पाएगा अगर ये सस्ती होगी और सुलभ होगी, और इसके लिए मैंने सोलार रिसोर्स रिच कंट्रीज का एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने का भी प्रस्ताव सामने रखा था। मुझे प्रसन्नता है कि हमें बहुत ही कम समय में
इन योजनाओं को आगे बढ़ाने में अभूतपूर्व सफलता मिली है। साथियों, आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस दुनिया के लिए उम्मीद की एक बड़ी किरण बनकर सामने आया है। 3 वर्षों के भीतर ये संगठन एक ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। 125 करोड़ भारतीयों को इस बात की भी खुशी है कि आईएसए का हेडक्वार्टर भारत में ही है। ये आईएसए के प्रति अपनत्व को और बढ़ाता है। मुझे लगता है जब भी भविष्य में 21वीं सदी में स्थापित मानव कल्याण के बड़े संगठनों की चर्चा होगी तो आईएसए का नाम उसमें सबसे ऊपर होगा। आईएसए के तौर पर हम सभी ने क्लाइमेट जस्टिस को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा मंच तैयार किया है। आने वाली पीढ़ियों को मानवता से जुड़ा बहुत बड़ा उपहार हम सबने मिलकर के दिया है। साथियों, मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि दुनिया की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भूमिका आज ओपेक निभा रहा है, वही भूमिका आने वाले समय में इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए की होने वाली है। जो लोग आज तेल के कुओं का है, वही रोल भविष्य में सूर्य की किरणों का होने वाला है। आज आईएसए का ये इनिशिएटिव जहां पहुंचा है, इसमें सक्रिय सहयोग के लिए मैं यूनाइटेड नेशंस का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं। पेरिस में हुए आईएसए के लॉन्च कार्यक्रम में तब के महासचिव एक्सलेंसी बान की मून जी का मौजूद रहना और आज के कार्यक्रम में एक्सलेंसी एंटोनियो गुटेरेस का शामिल होना इस बात को दिखाता है कि संयुक्त राष्ट्र इस मंच को कितना महत्व देता है। मैं इस मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति का, फ्रांस की सरकार का भी उनके सहयोग और समर्थन के लिए हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आईएसए की इस पहली असेंबली में 40 देशों के प्रतिनिधि मौजूद हैं, लेकिन अब हमें उस दिशा की तरफ आगे बढ़ना है जब सौर ऊर्जा के ये विकल्प सिर्फ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के इर्द गिर्द बसे करीब 125 देशों तक सीमित न रहे बल्कि पूरी दुनिया को इसका लाभ मिले। यूनिवर्सल कोऑपरेशन ऑन सोलर एनर्जी की भावना के तहत भारत आईएसए की असेंबली में यूएन के सभी सदस्य देशों को मेंबरशिप का प्रस्ताव रखने वाला है।
साथियों, भारत इंडियन ओशन रिम्स एसोसिएशन का अहम सदस्य होने के नाते इस संगठन को बहुत महत्व देता है। हमारी ऊर्जा संबंधी चुनौतियां एक जैसी है, इसलिए अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को देखते हुए रिन्यूएबल एनर्जी पर हमें मिलकर बल देना है। मैं पहले भी सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन की भावना को सामने रख चुका हूं। मुझे विश्वास है कि इस बैठक से सहयोग के नए द्वार खुलेंगे। साथियों, रिन्यूएबल एनर्जी के बढ़ते उपयोग का भारत में असर दिखने लगा है। पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की डिप्लॉयमेंट के एक्शन प्लान पर काम हम शुरू कर चुके हैं। हमने तय किया है कि साल 2030 तक हमारी 40% बिजली की क्षमता नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड संसाधन से पैदा हो। इसी लक्ष्य के तहत बीते 4 वर्षों में भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी की अपनी क्षमता को 72 गीगावाट यानी 2 गुना किया है। इसमें भी सोलर एनर्जी की कैपेसिटी में 9 गुना की बढ़ोतरी हुई है। आज जितनी बिजली का उत्पादन हम करते हैं उसका 20% हिस्सा नॉन हाइड्रो रिन्यूएबल का है। इतना ही नहीं, करीब करीब 50 गीगावाट की क्षमता बहुत जल्द इसमें और जुड़ने वाली है। ये साफ संकेत है कि वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य जो हम लोगों ने रखा है, उस रास्ते पर हम सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उसको हम करके रहेंगे। साथियों, आज भारत पॉवर्टी टू पावर के नए आत्मविश्वास के साथ विकास की गति को तेज कर रहा है। इस नए आत्मविश्वास को शक्ति देने के लिए भी हमने उसको चुना है जो हजारों वर्षों से हमारी शक्ति का स्रोत रहा है, ऊर्जा का भंडार रहा है। ये भंडार है सूर्य का, जिसको हम भारत के लोग सूर्य देव के रूप में भी पूजा करते रहते हैं। साथियों, सूर्य हमारे लिए प्रकाश के देवता है, ऊर्जा के देवता है। हमारे यहां मान्यता है कि सूर्य संपूर्ण सृष्टि के गतिदाता है। ओम सूर्याय नमः के मंत्र से और सूर्य की पहली किरण को अर्घ देने से दिन की शुरुआत की हमारे यहां समाज जीवन में सहज परंपरा है। वेद से लेकर के योग तक सूर्य हमारे चिंतन, हमारी उपासना, हमारी आंतरिक ऊर्जा का स्रोत रहा है। अब इस आंतरिक ऊर्जा को आधुनिक विज्ञान की शक्ति के साथ हम बाहरी ऊर्जा के समाधान में बदलने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध है। साथियों,
सोलर पावर के क्षेत्र में भारत बहुत तेज गति से काम कर रहा है। बीते चार वर्षों के दौरान सोलर पावर बहुत सस्ती हुई है, जिसने अनेक गरीबों को बिजली से जोड़ने का हमारा लक्ष्य तेजी से संभव हो पाया है। घर घर रोशनी पहुंचाने के हमारे लक्ष्य में पैनल टू पावर और मेक इन इंडिया बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। मुझे खुशी है कि पिछले चार वर्षों में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत दुनिया का सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन बनकर आज उभरा है। करीब 42 अरब 42 अरब डॉलर का निवेश इस दौरान हुआ है। साथियों, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आ रहे ये बदलाव सिर्फ विदेशी निवेश ही नहीं बल्कि हमारे अपने उद्यमियों के लिए भी एक अभूतपूर्व अवसर है। हमारी कोशिश है कि देश में ही सोलार पैनल मैन्युफैक्चरिंग का एक मजबूत इकोसिस्टम बने। रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में निवेश का ये सबसे उपयुक्त समय है। आने वाले चार वर्षों में इस सेक्टर में करीब 70 से 80 अरब डॉलर के बिजनेस की संभावनाएं मैं देख रहा हूं। साथियों, पावर जनरेशन के साथ साथ पावर स्टोरेज भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए नेशनल एनर्जी स्टोरेज मिशन पर काम किया जा रहा है। इस मिशन के तहत सरकार डिमांड क्रिएशन, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन और एनर्जी स्टोरेज की क्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी पॉलिसी सपोर्ट पर बल दे रही है। कुसुम यानी किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के माध्यम से गांव में खेत में ही सोलर पैनल लगाने और उन्हें ग्रिड से जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है। आने वाले चार वर्षों में देश भर में करीब 28 लाख सोलर पंप लगाए जाने हैं। इससे करीब 10 गीगावाट की क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। साथियों, सोलर और विंड पावर के साथ साथ हम B3 यानी बायोमास, बायोफ्यूअल, बायो एनर्जी पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। भारत में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को क्लीन फ्यूअल बेस बनाने की तरफ गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। बायोबेस से बायोफ्यूअल बनाकर हम इस चुनौती को अवसर में बदल रहे हैं। हमने गोबर धन एक बहुत बड़ी योजना इसके लिए प्रस्तुत की है। वेस्ट टू एनर्जी को लेकर गांव गांव शहर शहर में अनेक नवीन प्रयोग हो रहे हैं। साथियों, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए रिन्यूएबल एनर्जी पर तो काम हो ही रहा है, बिजली की बचत हो ये भी हमारी प्राथमिकताओं में से है। उजाला स्कीम के तहत देश के घरों, गलियों और सड़कों को LED बल्ब से रोशन करने का सबसे बड़ा अभियान आज भारत के हर कोने में चल रहा है। इसके तहत अब तक करीब 31 करोड़ LED बल्ब बांटे गए हैं। यह 31 करोड़ LED बल्ब बहुत बड़ा आंकड़ा होता है।
जिससे हर वर्ष करीब 40,000 मिलियन किलोवाट आवर बिजली की बचत हो रही है। कोई कल्पना कर सकता है कितना बड़ा है? इतना ही नहीं, इससे देशवासियों बिजली के बिल में हर वर्ष करीब करीब 16,000 करोड़ रुपयों की बचत हुई है और बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के जनरेशन को हमने रोका है। और फिर मैं कहना चाहूंगा, ये तो अभी शुरुआत ही है। आने वाला समय और अनेक अवसरों से भरा हुआ है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें क्लाइमेट जस्टिस से जुड़े हर अवसर की संभावनाओं को तलाशना है और सफलता प्राप्त करके ही रहना है। मुझे विश्वास है कि आने वाले 3 दिनों में इन अवसरों पर विस्तार से आप सभी महानुभाव चर्चा करेंगे और रिन्यूएबल फ्यूचर को और प्रकाशित प्रसादित करने में योगदान देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका हर सुझाव, हर इनोवेटिव आइडिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और इसलिए आप खुल करके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो, नए नए दुनिया के देशों में छोटे छोटे लोगों ने प्रयोग किए हो, इन सारी बातों को हम एक बार सामने लाए और मुझे विश्वास है कि हम एक मिशन को पूरा कर सकते हैं और हम दुनिया के सामने, आर्थिक जगत की दुनिया में ग्लोबलाइजेशन की चर्चा हुई, टेक्नोलॉजी ने दुनिया को बहुत निकट ला दिया, हम भी एक ड्रीम लेकर के चले कि एक दुनिया, एक सूरज, एक ग्रिड, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड। अगर इस मिशन को पार करेंगे, आप कल्पना कर सकते हैं कि जहां सूर्योदय होता है वहां से चालू करें तो सूर्यास्त तक ये ग्रिड बनी रहे तो 2400 घंटे सूरज से बिजली निकल सकती है। आज तो हमारे देश में जितने घंटे सूरज है उसी की हम सोचते हैं, लेकिन वर्ल्ड वन वन सन वन ग्रिड इस सपने को लेकर के हम चलेंगे तो कभी भी कहीं पर भी जब तक सूरज ढलता नहीं है बिजली पाना असंभव नहीं होगा। और सूरज कहीं ना कहीं तो होता ही है, कभी ढलता नहीं है तो फिर बिजली का प्रवाह क्यों बंद होगा? एक नए तरीके से, नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि आयशा के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अवसर पर हम जरूर इन नए विश्वास के साथ, नए विचारों के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए संकल्प के साथ एक नए विश्व के निर्माण में अपनी एक अहम भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर भारत आने के लिए, यहां आकर के इस महत्वपूर्ण अवसर पर शरीक होने के लिए मैं दुनिया के उज्जवल भविष्य में अपनी सहभागिता